आज 20 रजब है, 20 रजब या दो दिन बाद 22 रजब को हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु जो के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरादर निस्बती हैं, मोमिनों की माँ के भाई हैं, जो रिश्ता हमारा अपनी माओं के भाइयों के साथ हम में से हर एक का है, वो सारी उम्मत का आदर मुआविया के साथ वो रिश्ता है। काद में वही जो लोग वही लिखते थे उनमें वो शुमार थे, बाद में खलीफा बनते हैं और पूरे 20 साल सन 41 से लेकर 60 तक उनकी खिलाफत है, और उस खिलाफत में एक भी मुसलमान उनकी खिलाफत से बाहर नहीं था, सारे उनकी खिलाफत के अंदर थे, उनकी खिलाफत को तस्लीम करते थे। मजमूई तौर पर बहुत कामयाब उन्होंने हुकूमत की है, अरबो अजब शिमाल लोग हर तरफ उनकी हुकूमत थी। तो ये हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला को बाद रवायात के मुताबिक 20 को फौत होते हैं, बाद के मुताबिक 22 को फौत होते हैं, और यही रजब का जो महीना यही महीना था। एक तरफ 20-22 के पीछे ये तारीख है जो वसीयत मुसलमान हमारे इल्म में होनी चाहिए, अब वो फौत हो, वो तारीख हो, और उस तारीख पर मैं और आप हलवे खाते फिर। तो ये हमारा उनके साथ जो तल्लक है किस किस्म का तल्लक है, उनको शरीयत ने नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था खत्म मक्का के मौके पर, जिसने बना देनी आप उस व्यार में घर जाकर इनका ही घर था, वहाँ जाकर बना ले लो, इतनी इज्जत दी है, और हम ये उनके मरने पे हलवे खाते फिर, ये हमारी दीन से लाइलमी की इंतहा होगी। और अगर ये कहा जाए कि नहीं जी ये तो बात कोई नहीं है, ऐसी तो कोई बात नहीं, हम तो वैसे ही कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, करें सरकार रात खूब करें जेवरात करें, तो फिर एक दिन फिक्स क्यों किया है, इसको 22 की जगह 23 को करके देखेंगे, सारा साल आप 22 का इंतजार क्यों करते। अब 22 मुकर्रर करना ये दीन साजी है, शरीयत साजी है, और ये हक सिर्फ और सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम का है। हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला का कौल है, मब्तदा कौमुन बिदअत फी दीनिहिम, किसी कौम ने अपने दीन में कोई बिदअत जारी की, इल्ला नज़ा अल्लाह मिन सुन्नतिहिम इस्लाह, अल्लाह उसकी मिसल एक सुन्नत है वो उनसे उठा देता है, सुन्नत ला युईदुहा इलैहिम इला यौमिल क़ियामा।